तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कहीं से भी कहीं आपको जाना हो इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ प्ले स्टोर को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, जैसे तो प्ले स्टोर को जैसे ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको सर्च करना है IRCTC। चलिए यहाँ पे हम प्ले स्टोर अपना सर्च कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है आपको IRCTC, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे IRCTC सर्च कर दे रहा हूँ। IRCTC सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये वाला एप्लीकेशन जो देख रहे हैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है, देख सकते हैं इस वाला लोगों को। जैसे इसे डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको कुछ देर वैलिडेटिंग लिखेगा यहाँ पे, कुछ देर वेट करना है। कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ पे जो है आपका जो एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अलर्ट आएगा आपके सामने देखने को। तो सिंपल से यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ से ओके कर देना है आपको। जैसे ओके कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वैलिडेटिंग लिखेगा और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से आपका ऐप्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन, जो देख सकते हैं ऊपर कोना में है, यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले से आप लॉगिन करके रखे हैं तो यहाँ पे केवल पासवर्ड डालना पड़ेगा MP, नहीं तो आपको इस तरह से ओपन होकर के आएगा, देख सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे फर्स्ट बार लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो सिंपल से यहाँ वाला पे आपको यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है, जो भी आपका IRCTC का यूजर नेम है वो डालना है, और उसके बाद ये पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। और सिंपल से यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये वाला कैप्चर जो देख रहे हैं इस कैप्चर को आपको यहाँ पे डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद सिंपल से लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ मैं यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चर से फिलअप कर लिया हूँ। सिंपल से यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वेरीफाई यूजर का एक ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। तो कुछ देर हमको यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेव करना चाहते हैं यस कीजिएगा तो आपका जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको MPIN जो भी है आपका MPIN यहाँ पे डाल देना है, फिर उसी MPIN को यहाँ पे कंफर्म कर देना है और उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो है MPIN यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं फिर से MPIN अपना डाल दिया हूँ और सिंपल से सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इसे आप देखना नहीं देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा लॉगिन हो चुका है। ये लॉगिन हुआ है कि नहीं आप यहाँ पे जो देख सकते हैं माई अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ही नाम और ईमेल ID शो हो जाएगा। तो सिंपल से आपको ट्रेन टिकट बुक करना है, इसके लिए हम होम पे रहेंगे यहाँ पे इस वाला पे। उसके बाद यहाँ पे जर्नी माई प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ से जहाँ जाना है आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और जहाँ तक जाना है वहाँ 2 में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और 2 में जहाँ तक जाना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे स्टेशन कोड मैं डाल दे रहा हूँ CAA, यहाँ पे मैं स्टेशन कोड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है जहाँ से मैं जाने वाला हूँ वो भी यहाँ पे शो हो गया और जहाँ तक जाना है वो भी शो हो गया। और सिंपल यहाँ से आपको डेट चूज कर लेना है, जैसे तो डिपार्टमेंट डेट लिखा जाए इस पर क्लिक करके। तो मुझे 2022 मार्च का टिकट बुक करना है तो मैं यहाँ पे 13 तारीख का डेट चूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल से यहाँ ओके वाला पे क्लिक कर दे रहा हूँ। कैलेंडर से मैंने यहाँ पे डेट चूज कर लिया है और ट्रेन को सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्म में गलत डाल दिया हूँ तो मैं फॉर्म में फिर से डाल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आनंद विहार से बुक करना है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ सही से सिलेक्ट कर लिया है, डेट भी चूज कर लिया है, फॉर्म एंड टू भी सब कुछ चेक कर लिया, कहाँ से कहाँ में जाना है, जहाँ से जाना है इसको सिलेक्ट करना है और जहाँ तक जाना है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट यहाँ कैलेंडर से चूज कर लीजिएगा और यहाँ सर्च ट्रेन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सर्च ट्रेन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड सिंपल से यहाँ पे सेकेंड सिटी में अगर चाहते हैं तो इस पे 2S में, और स्लीपर में चाहते हैं तो यहाँ SL में आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा अवेलेबिलिटी सर्च कर रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि अवेलेबल टिकट है कि नहीं है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने इस वाला ट्रेन में टिकट चेक किया हूँ तो ये सद्भावना एक्सप्रेस जो लिखा हुआ है इस वाला में मेरा टिकट अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल है। तो सिंपल से हम इस वाला में क्लिक करके आपको बुक करके बताने वाला हूँ। इस वाला सेक्शन में देख सकते हैं फ्राइडे 18 को लिख रहा है इसमें, तो मुझे 18 तारीख को टिकट तो बुक नहीं करना है, मुझे 13 तारीख को बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि किस किस डेट को टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे 13 को भी अवेलेबल है, 18 को भी और 20 को भी। तो मुझे सिंपल से यहाँ पे 13 को बुक करना है तो मैं 13 वाला पे क्लिक करूँगा
और 13 वाला पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे जितना भी फेयर है नीचे यहाँ 525 रुपये यहाँ पर हमारा शो हो चुका है। बुक करने के लिए पैसेंजर डिटेल्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, सिंपल सी इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक कीजिएगा आई डोंट एग्री पे तो कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ सिंपल सी आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आई एग्री पे क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आई एग्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा जो है कुछ यहाँ से इस तरह से ओपन आएगा, तो ओके ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपल सी एड न्यू पर क्लिक कर देना है। एड न्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पैसेंजर का डिटेल्स डालना है, यहाँ पर पैसेंजर का नाम डालना है जिनका नाम से आप टिकट बुक करना चाहते हैं, मेल है या फीमेल है, उनका क्या एज है, उनका एज यहाँ डालना है कि कितना एज हो रहा है। उसके बाद मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जस्ट आइएगा आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पैसेंजर, नीचे की तरफ इस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डिटेल्स यहाँ पे डाल लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ डिटेल्स फिलअप कर लिया है, एज मेल सब कुछ डाल दिया है, सिंपल सी ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा जो है यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड कर लिया है, यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल जितना टिकट रहेगा यहाँ पे शो होगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे पैसेंजर डिटेल जो भी डालिएगा यहाँ से शो हो जाएगा। इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करके इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको डालना हो उस कस्टमर का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ आइएगा यहाँ पे तो एक एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे इस वाला मोबाइल नंबर दिया हुआ है पैसेंजर मोबाइल नंबर, इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल देना है पैसेंजर का जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्रेस डालना है कि कहाँ पे जाना है पैसेंजर को, तो पैसेंजर का डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है जो भी है। डालने के बाद सिंपल सी नीचे की तरफ आपको आना है, पेमेंट क्या चीज़ से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, भीम यू पी आई से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं इस वाला ऑप्शन पर। और उसके बाद इसमें आई एस वाला पे क्लिक कर दीजिएगा, इंश्योरेंस टेबल आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबको डिटेल्स हम यहाँ पे फिलअप करके फिर यहाँ पे रिव्यू जर्नी पे डिटेल्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल ले रहा हूँ, सबको डिटेल्स यहाँ पे मैं सही से डाल दिया हूँ, एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दिया हूँ। मैं यहाँ पे पेमेंट जो करूँगा डेबिट कार्ड से करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज़ कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस भी यस कर दिया हूँ, और सिंपल से यहाँ पे मैं रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं बुक टिकट यहाँ पे लिख रहा है, कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। कुछ देर आपको वेट करना है, उसके बाद ये आपके सामने ओपन होकर के कुछ यहाँ पे आएगा। फिर से आपको बता दूँ कि इस तरह का टेक्निकल एंड ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो अपना देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कब तक ये ओपन हो रहा है, बुक टिकट का ये जो ऑप्शन जो आ रहा है पेमेंट हमको करना पड़ेगा। जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाए रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आइएगा तो सिंपल से इस वाला कैप्चर को आप देख रहे हैं, मैं इसका कलर चूज करके आपको बता दूँ कि इस वाला कैप्चर को जो देख सकते हैं इस कैप्चर को आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर डालने के बाद सिंपल से यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिलेगा प्रोसीड टू पे का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कैप्चर डाल देते हैं, मैंने यहाँ पे कैप्चर डाल दिया फ्रेंड्स, सबको डिटेल डाल दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फेयर पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना आपका चार्ज कट रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं फेयर में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी चार्ज आपका रहेगा यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। GST वगैरह करके 17.70 रुपये हमको कट रहा है। यहाँ पे प्रोसीड टू पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे कटौती के 3 से 5 दिवस के बैंक खाते में कर दी जाएगी। तो फिर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, तो उसके बाद यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है कि किस माध्यम से। तो मैं डेबिट कार्ड जो सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे मैं इस पर रहने देता हूँ, देख सकते हैं ऊपर की तरफ ही है, तो इसमें ही लिखा हुआ है डेबिट कार्ड के माध्यम से करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड एंड UPI नेट बैंकिंग, तो इस पर रहने देता हूँ। पे नीचे जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ प्रोसीड पेमेंट पे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ लॉग इन प्लीज वेट बता रहा है, तो यहाँ से आपको सिंपल से देख सकते हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट है, देख सकते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो, उसके बाद मंथली उसका जो भी एक्सपायरी मंथ है यहाँ डाल देना है, और उसके बाद CVV नंबर यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे नाम डाल देना है जिनके नाम से ATM कार्ड है, और सिंपल से पे नो पे क्लिक कर देना है। तो
चलिए डिटेल्स हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो डिटेल डाल दिया फिर दे सकते हैं। यहाँ पे ऑटो पे रहेगा तो इस पर आपको नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, डेबिट कार्ड है तो, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। और सिंपल से यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद कार्ड का सीवी जो भी नंबर है एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ डालना है, और यहाँ पे सीवीवी नंबर डाल देना है। और सिंपल से यहाँ नीचे जिनके नाम से एटीएम कार्ड है, खाता है, उनका नाम डालना है। सिंपल से पेन ओ पे क्लिक कर देना है। चलिए हम पेन ओ पे क्लिक करते हैं। डिटेल्स तो मैं पूरा डाल ही दिया हूँ, आप दे सकते हैं। तो जैसे आप पेन ओ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ टी पी आएगा, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप बैंक में दिए हुए हैं वही नंबर पर आपको ओ टी पी आएगा। उस ओ टी पी को यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपल से उस ओ टी पी को आपको यहाँ पर डालना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे पास अभी तक ओ टी पी नहीं आया है। ओ टी पी का हम लोग वेट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस तरह का नॉलेजफुल टेक्निकल एंड ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, देख सकते हैं कि हमारे सामने इस तरह से जो है ओ टी पी आ चुका है। तो सिंपल सी उस ओ टी पी को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए उस ओ टी पी को यहाँ पे हम कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल सी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है उस ओ टी पी को पेस्ट कर दिया हूँ और मेक पेमेंट भी क्लिक कर दे रहा हूँ। मेक पेमेंट भी क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से बैक नहीं करना है, नहीं रिफ्रेश करना है, आपको कुछ ही देर तक इसी तरह सो देना है। प्रोसेसिंग पेमेंट लिख रहा है, दे सकते हैं। कुछ समय छोड़ने के बाद यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे टिकट सक्सेसफुल बुक हो चुका है। यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे जो है ट्रेन का नाम और नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे PNR नंबर दिया हुआ है, दे सकते हैं। और सिंपल से यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जहाँ से जाना है वहाँ का डेट दिया, जहाँ से चलना है वहाँ का डेट दिया हुआ है, और यहाँ पे जिस तारीख को पहुँचेंगे उसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है और उस जगह का नाम। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम, पैसेंजर का नेम डिटेल्स में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है पैसेंजर का नेम। उसके बाद यहाँ टिकट का स्टेटस कंफर्म है, तो यहाँ पे कंफर्म बता रहा है। कोच है यहाँ पे A7, तो A7 बता रहा है। यहाँ पे सब कुछ कुछ इस तरह से बता रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा तो टोटल यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर QR कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो चुका है।